नमस्कार साथियों, राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हमें अपना ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना होता है, परंतु अगर यह आपको भरना नहीं आता है तो यह फॉर्म आपको CA से भरवाना पड़ता है और इसके लिए आपको CA को ₹500 तक की फीस चुकानी होती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम ITR फॉर्म भरना सीखेंगे, जानेंगे कि यह ITR फॉर्म किस तरह भरा जाता है ताकि हमें CA के चक्कर न लगाने पड़े और साथ में अपनी जेब से ₹500 अनावश्यक खर्च न करने पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्लिक करें सब्सक्राइब के बटन पर और दबाए बेल के आइकॉन। साथियों, आपकी इनकम है सैलरी से और साथ ही अदर सोर्सेज से इनकम है या केवल अदर सोर्सेज से इनकम है और आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR फॉर्म नंबर 1 फाइल करना होगा। तो इस वीडियो में हम अपने फॉर्म 16 की मदद से ITR 1 फाइल करना सीखेंगे और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए, यानी जो इनकम आपने अर्न की है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो डिटेल में है और इस वीडियो की मदद से हम लाइव ITR 1 फाइल करना सीखेंगे। तो यह वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, पर आपको इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दें और बाद में ITR फाइल करने में आपको मुसीबत हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और अपनी ITR हमारे साथ साथ फाइल करते रहिए। ITR भरने के लिए आपके हाथ में होना चाहिए अपना फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 आपको आपके DDO द्वारा दिया जाता है। ITR भरने से पहले हमें अपने फॉर्म नंबर 16 को भी थोड़ा बहुत जानना होता है। तो हमारे पास एक फॉर्म नंबर 16 है, हम उससे फॉर्म नंबर 16 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साथियों, ये है फॉर्म नंबर 16 जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयर द्वारा काटे गए टैक्स की डिटेल्स के साथ साथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कुछ बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे पैन नंबर, टेन नंबर और एड्रेस वगैरह। इसमें लास्ट में यहाँ पर इस हिस्से में आप क्वार्टरली टैक्स डिडक्शन की डिटेल्स देखते हैं और इस हिस्से में आप देखते हैं कि किस तरह उनका टैक्स किस डेट में जमा हुआ था, वो डिटेल होती है। इसी का नेक्स्ट पेज होता है यहाँ पर। इस पेज पर आपको एम्प्लॉयर के सिग्नेचर वगैरह मिलते हैं। इसके बाद पार्ट बी जो होता है उसमें एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स शो होती हैं। जब भी आप फॉर्म 16 की मदद से ITR फिल कर रहे होते हैं तो आपके पास पार्ट ए से ज्यादा जरूरी है पार्ट बी की जानकारी होना, क्योंकि पार्ट ए की जानकारी ऑटोमेटिक 26AS फॉर्म से अपडेट होकर ITR रिटर्न करते समय अपडेट हो जाती है। तो ये था हमारा फॉर्म 16। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, वहां हम सीखेंगे किस तरह से ITR फॉर्म नंबर 1 भरा जाता है। तो चलिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चलते हैं। ITR भरने के लिए आपको किसी भी वेब ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बॉक्स में आपको लिखना है ITR ई फाइलिंग। यहाँ देख लीजिए ITR ई फाइलिंग और इस पर क्लिक कर देना। यहाँ सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एक वेबसाइट आ रही है, आप देख सकते हैं। IncomeTaxIndiaEfiling.gov.in इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ एक मैसेज शो हो रहा है, अगर ये आपका काम का है तो इसे पढ़ लें और उसके बाद इसे यहाँ से क्लोज कर दें। कई बार ये मैसेज शो होता है और कई बार नहीं होता है। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरा है या किसी से भरवाया है तो आपका ऑलरेडी एक अकाउंट होगा, और अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस दूसरे वीडियो में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से अपना अकाउंट रजिस्टर करने की प्रोसेस जान ले और अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आगे वाली यह प्रोसेस आप करें। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद में आपको यहाँ रजिस्टर्ड यूजर में आकर लॉगिन हेयर पर क्लिक करना। लॉगिन हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाता है। यहाँ इस बॉक्स में आपको यूजर आईडी भरना होता है। जनरली आपका यूजर आईडी आपका पेन नंबर है, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, और इसके बाद यहाँ पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय बनाते हैं वो लिखना होता है, और यहाँ जो ये जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में भरना होता है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ आपके सामने शो हो रहा है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कर लीजिए इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पेन नंबर भरना है, असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको 19-20 करना है, और ITR फॉर्म नंबर सेलेक्ट करके ITR 1 करना है। फाइलिंग टाइप में आपको करना ओरिजिनल, रिवाइज्ड रिटर्न में, सबमिशन मोड होगा आपका प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, और इसके बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं जिनको आप फॉलो करें, और यहाँ आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये आप तब आते, ये आपके अकाउंट में तब आती है जब आपने इससे पहले ITR फाइल कर रखा होगा। यहाँ एक नया ऑप्शन आया है आपकी बार, ये सिलेक्ट अकाउंट ऑफ रिफंड क्रेडिट, ये आप अगर यहाँ नहीं करते हैं तो इसके बाद भी कर सकते हैं, इस पर टिक कर दीजिए अगर आपके पास एडेट है तो, और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके सामने ITR फॉर्म फिलिंग की डिटेल शुरू हो गई है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ जो पहला टैब है वो शो हो रहा है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि किस तरह से आपको ITR फाइल करते समय कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसके बाद सीधा आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दे, अदरवाइज पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल्स है, आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ बदलाव कर लीजिए। यहाँ आपकी पैन कार्ड की डिटेल है, नेम है, आधार नंबर है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, परमानेंट एड्रेस है, और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है, और यहाँ आप देख रहे हैं फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो यहाँ मैं आपको बता दूं 139 ब्रैकेट में एक है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। जब आप पहली बार किसी ईयर का ड्यू डेट निकलने से पहले ITR फाइल करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसके साथ ही जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने तीसरा वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। आप इन सभी ऑप्शंस पर सीधा भी जा सकते हैं पर आप स्टेप वाइज जाए तो ज्यादा बेहतर। यहाँ सबसे पहले B1 ऑप्शन आ रहा है, ये जो मैंने कहा पार्ट ए और बी फॉर्म 16 में, तो ये पार्ट बी वाला हिस्सा है फॉर्म 16 का, फॉर्म 16 का पूरा हिस्सा यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप फॉर्म 16 की मदद से इसे भरते जाइए।
आपने फॉर्म 16 में आप देखिए पार्ट बी में पॉइंट नंबर एक और उसका भी ए ऑप्शन है, उसमें जो इनकम शो हो रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इस इनके यहाँ 6,40,184 रुपए यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर वैल्यू यहाँ बी और सी के अंदर भी अगर कोई है तो आप यहाँ भर दें, अदरवाइज इसे छोड़ दें। अब आ जाते हैं सैलरी ऑब्लिक पेंशन वाले कॉलम में। इस कॉलम में हमें देखना है, यहाँ पे आप एक बार देखिए, इस ऑप्शन में लेस अलाउंसेस टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 और ये सैलरी से डायरेक्ट डिडक्ट होते हैं, तो इनकी डिटेल आप यहां से माइनस करें। इस कॉलम में आपको उन अलाउंसेस को सेलेक्ट करना है जिसका डिडक्शन आपको लेना है। यहां इनको अंडर सेक्शन 10 में ये बीच बीच में एक मैसेज शो होता है कि आगे बढ़ने से पहले इस को बीच बीच में सेव करते रहें, तो सेव ड्राफ्ट आपको करते रहना है क्योंकि सेशन आउट हो जाता है, इसलिए सेव ड्राफ्ट करते रहे, इससे आप जो एंट्रीज करते हैं वो सेव करती है। यहाँ देखिए इस ऑप्शन में दिया हुआ लेस अलाउंसेस टू एक्सटेंड एग्जेम्प्ट, तो यहाँ जो जो अलाउंसेस आपको एग्जेम्प्ट होने हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 10 के अंडर 5 में लीव ट्रेवल कंसेशन यानी LTC कंसेशन अगर आपको मिला है तो। इसके अलावा और बहुत सारे हैं लेकिन जनरली जो छूट मिलती है वो है अंडर सेक्शन 10-13A अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय हाउस रेंट, यानी जो किराए के लिए आपको भत्ता मिला है इसकी छूट आपको मिलेगी। एचआरए की छूट के जो नियम है उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा, आप वहां से पता कर सकते हैं। तो आपके फॉर्म 16 में ये एग्जेम्पशन अगर मिला है आपको तो वो शो हो रहा होगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर ले उस ऑप्शन को और उस अमाउंट को लिख दे। अगर आपको एक से ज्यादा अलाउंसेज ऐड करना है तो आप ऐड पर क्लिक करें और फिर से इन अलाउंसेज में से सेलेक्ट करें। जैसे आपको अलाउंस सेलेक्ट करते हैं इसके बाद यहाँ पर अमाउंट, अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 3 जो आ रहा है, ये पॉइंट नंबर 3 नेट सैलरी शो कर रहा है। यहाँ 6,40,184 की जो इनकम थी उसमें से 36,725 रुपए एचआरए के रूप में एग्जेम्प्ट हो गए हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो आपकी जो नेट इनकम है अभी नेट सैलरी है वो ये घटाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फॉर्म 16 में आपने देखा होगा वो था स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, तो यहाँ फॉर्म 16 के साथ साथ आपको बता दें यहाँ ये 40,000 ऑटोमेटिक लिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिला है वो यहाँ शो होता है और यहाँ ऊपर उसका टोटल। इसके अलावा भी अगर कोई छूट अगर आपको मिलती है तो यहाँ आप एंट्री करेंगे और ये यहाँ पर टोटल होके आ जाएगी। अब इस इनकम में से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन या जो अमाउंट है वो माइनस होने के बाद आपके सामने ये इनकम आ जाती है। ये होती है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। इसमें B2 में अब आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जिनसे आपको गेन हुआ है, कोई इनकम हुई है हाउस प्रॉपर्टी से, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होती है। अगर आपको कोई इनकम नहीं होती है तो आप उनको 0-0 रखें और अगर कोई इनकम है मान लीजिए ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल या फिर लेटेबल तो यहाँ लिख सकते हैं। टैक्स पेड अगर कोई टैक्स पे किया है तो। इसके बाद आप पॉइंट नंबर B3 में आ जाइए। B3 में या ये जो B2 है इसका टोटल आपको होने के बाद में इसमें से माइनस होकर यहाँ पर नेट चार्जेबल सैलरी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अदर सोर्सेज से कोई इनकम हुई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है पॉइंट नंबर B3 में। यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, अगर आपको सेविंग अकाउंट से कोई ब्याज मिला है तो आपको यहाँ पर उसकी एंट्री करनी है। साथियों मैं आपको बता दूं 10,000 तक के इंटरेस्ट की छूट हमें इनकम टैक्स में मिलती है, तो आप यहाँ पर इसे शो कर सकते हैं और वहां आगे इसको
ऑटोमेटिक माइनस कर दिया जाए। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा इनकम हुई है तो आप इसे ऐड करके प्लस बटन पर क्लिक करके रो ऐड करके जोड़ सकते हैं। तो चूंकि यहाँ इनकी कोई इनकम नहीं थी सेविंग अकाउंट से, इसलिए इन्होंने कोई सिलेक्ट नहीं किया, इसको सिलेक्ट पर क्लिक करके छोड़ दें। तो आप B2 की जो ग्रॉस सैलरी थी वो B3 में से B3 माइनस होने के बाद आपके सामने ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूं ग्रॉस टोटल इनकम में B1, B2 और B3 का टोटल आपको यहाँ पर आता है। अगर आपको कोई लॉस होती है तो माइनस आपको करना होता है। इसके बाद में बात आती है पार्ट सी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें बहुत सारी छूट दिलाता है, जनरली हमें पार्ट सी का ही हमें पता होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन है और कौन कौन सी छूट हमें यहाँ पे मिलने वाली। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है 80C। इसमें लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, डेफर्ड एन्युटी है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ में अगर आपने चुकाया है तो सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स, अगर आपने ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया है तो, और इन सब का टोटल आपको यहां पर, इसे बीच में सेव करना पड़ रहा है, सबका टोटल करके जितनी भी आपकी सेविंग्स है उनका टोटल करके आपको यहाँ पर लिखना होता है। एक साथ लिखना होता है, इनको अलग अलग बाइफरकेट करके नहीं लिखना। आप फॉर्म 16 में यहाँ जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है उसको आपको यहाँ पर टोटल करके जो आ रहा है उसको इस ऑप्शन में टोटल ही लिखना है। तो यहाँ 81,420 की टोटल डिडक्शन 80C में मिली थी वो यहाँ पर हमने शो कर दी। अगर 80CC यानी पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड को आप यहाँ शो करें, 80CC D1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80CC D1, ये देखिए 80CC D1 में कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एम्प्लॉई द्वारा चुकाया गया शेयर है जो कि हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। ये दो बार डिडक्ट होता है। इसके बाद में 80CC D1B में अगर आपने सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा सेविंग की है, एनपीएस में शेयर जमा किए हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आता है 80CC D2। यहाँ इस ऑप्शन में आपको बता दें कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाई एम्प्लॉयर, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यही लागू होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर द्वारा जमा की गई राशि इक्वल टू एम्प्लॉय शेयर होती है, ये दोनों यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में 80CCG अगर है तो आप भर दें, 80D की डिटेल आप भर दें, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप भर रहे हैं ईयरली तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भर दें, मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है कोई मेडिकल पे खर्चा हुआ है तो वो यहाँ पे कर दें, एंट्री कर दें, और हेल्थ चेकअप करवाया तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके भर दें। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए भर दें, इनके कोई नहीं है इसलिए ये डिडक्शन में नहीं आएगा। इसके बाद 80D है मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई विकलांग बच्चा है परिवार आपके फैमिली में बच्चा है या पिताजी वगैरह है तो डिपेंडेंट होना चाहिए इसके लिए, उसकी डिटेल आप अगर यहाँ डालते हैं तो उसकी अलग से छूट मिलती है। इसके अलावा कुछ डिजीज फिक्स की गई है उनमें अगर खर्चा किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ से सेलेक्ट करते हुए भर दें। इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं वो आपको छूट दिलाती हैं, एक एक पॉइंट आप सेलेक्ट करते जाएं और भरते जाएं। अभी हमने पीछे एक कॉलम देखा था उसमें इनकम फ्रॉम सेविंग इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट की डिटेल आई थी, जितनी अमाउंट वहां पे आप भरते हैं वो अमाउंट यहाँ पर भी आपको दर्शानी है, तो वहां जो प्लस हुआ था वो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर C1 में टोटल डिडक्शंस की डिटेल आ जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं वैसे तो ये 150,000 तक है, 80C में जो आपको छूट मिलती है वो 150,000 तक ही मिलती है, परंतु इसमें एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉयर द्वारा जो
शेयर जमा किया जाता है एम्प्लॉय के खाते में एनपीएस के रूप में, वो 80 CCD2 वाला हिस्सा भी प्लस हो जाता है। इसलिए ये 80 CCD2 वाला हिस्सा माइनस करने के बाद में जो इनकम बचती है 150,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ऑप्शन आता है C2, टोटल इनकम B4 माइनस C1, यानी यहाँ जो B4 में जो इनकम हमारे पास थी उसमें से 80C की डिडक्शन लेने के बाद में जो अमाउंट बचती है वो यहाँ पर टोटल डिडक्शन को माइनस करने के बाद में यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हमारे पास 5,63,459 रुपए B4 में थे, उसमें से 1,89,912 रुपए की डिडक्शन लेने के बाद में हमारे पास टोटल इनकम बच जाती है 3,73,550 रुपए।